हम जब भी कभी बस, ट्रेन या फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोगों को जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो वे सोने लगते हैं, मतलब कि उनके अंदर अभी नींद की कमी है। अब इस तरह से दिन के 10 बजे हो या शाम के 5 बजे, कौन सो सकता है? वही जिसकी नींद पूरी ना होती हो। एक तो हमारा सोने का समय सही नहीं है और दूसरा कि हमारी नींद अच्छी नहीं है, क्योंकि हम रात के 12-1 तो ऐसे ही बजा देते हैं, फिर काम करते करते लैपटॉप बंद करके सो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा मन भी विचारों से बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने मन को एक काम दे दिया है, वो कैसे सो सकता है? जब हम 5-6 घंटे बाद सोकर उठते हैं तो शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन हमारा मन थका हुआ होता है। इसलिए सुबह हम तरोताजा अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात हमारे मन में तमाम तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। उन तमाम तरह के विचारों से ही हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रह पाता है। हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और हर समय हम चिंता और परेशानियों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, अर्थात समाज में रहते हैं, कोई साधु या सन्यासी नहीं है। तो जाहिर सी बात यह है कि हमारा मन भी तमाम तरह के अनियंत्रित विचारों से भरा रहता है। लेकिन अगर हम अपने मन की समय समय पर सफाई करते रहें तो अनियंत्रित विचार हमें उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मन में उत्पन्न हो रहे अनियंत्रित और नकारात्मक विचारों की सफाई करना जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती है। वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर लिया होता, उस काम को वैसे कर लिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मेरा मजाक ना उड़ा पाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक या असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता है और अंदर से डरा हुआ सा रहता है। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। वे बौद्ध भिक्षुक उस लड़के की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा कि मुनिवर, मैं अपने मन की सफाई करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हम अपने मन को खाली कैसे करें, अर्थात हम अपने मन की सफाई कैसे कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन असंभव भी नहीं है। लड़के ने कहा कि हाँ मुनिवर, मैं सभी बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरने को तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ रखने के 6 तरीके होते हैं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हर एक तरीके को बस अच्छे से सुनना और एक एक करके उन्हें समझते जाना। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और घमंड में अपने से थोड़े नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह उनसे छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना ही दूरी तुम बना लो, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होने लगेगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना अपने आप शुरू हो जाएगी और यही नकारात्मक विचार हमें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। मन की सफाई करने का दूसरा तरीका है, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, उनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए मित्रों का सही होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, अगर वे लोग ईमानदार हैं
तो तुम भी ईमानदार रहोगे। अगर वह पांचों अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में कहूँ कि तुम भी वैसा ही बनने लगोगे जैसा तुम्हारे आसपास के लोग होंगे। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि तुम मुझसे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। फिर हमारे दिमाग में ना तो नकारात्मक बातें आएंगी और ना ही हम फालतू का सोचेंगे, और जब हमारे दिमाग में फालतू के विचार आने बंद हो जाएंगे और हम फालतू की बातों में नहीं सोचेंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा, अर्थात हमारे दिमाग में उत्पन्न नकारात्मक विचारों का सफाया हो जाएगा और नकारात्मक विचारों से हमारा मन खाली हो जाएगा। मन की सफाई करने का तीसरा तरीका बताते हुए महात्मा कहते हैं कि वर्तमान में जियो। भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, इसीलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान देना शुरू करो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है, इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। जो बातें हमारी जिंदगी में बीत गई हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था और जो लोग आपको बुरा भला कहे थे, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ दी है, वर्तमान में रहकर उन सभी पुरानी यादों को भूलने का प्रयास करो, क्योंकि अगर हम पुरानी यादों में जिएंगे तो हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म लेते रहेंगे। हालांकि उन पुरानी यादों को भूलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन सोचकर भी हम उन बातों का क्या कर सकते हैं। सोचने से हमारे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म लेंगे, और जब हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे तो हम परेशान रहेंगे। इसलिए पुरानी यादों को भूलने का प्रयास करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर मिलेगा, लेकिन अब आप उन पुरानी यादों को सोच कर अपने दिमाग को परेशान मत करिए। इसलिए बीते कल की चिंता, बीते कल की बातों को भूलने का प्रयास करें। अगर हम पुरानी यादों को भूल जाते हैं या धीरे धीरे हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं तो हमारा दिमाग उन सभी बातों और विचारों से खाली होने लगता है, अर्थात हमारे दिमाग की सफाई होने लगती है। फिर हमारे दिमाग में स्वच्छ, साफ और सुंदर विचारों का जन्म होने लगेगा, और जब हमारे दिमाग में स्वच्छ, साफ और सुंदर विचारों का जन्म होगा तो हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन की सफाई करने का चौथा तरीका है स्वस्थ रहें और अच्छा अच्छा खाना खाएं। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर हम वैसा ही बनने लगेंगे। शरीर और मन का व्यवहार भी वैसा होने लगेगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिनमें कोई पोषक तत्व ही नहीं है तो ऐसा भोजन तुम्हारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होगा, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर दो जिनमें कोई पोषक तत्व ही ना हो। साथ ही साथ अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत सारे नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचारों का जन्म होगा, अर्थात हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होने लगेंगे, तो हमारे मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, अर्थात उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और हमारा मन उन नकारात्मक विचारों से खाली हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, मन की सफाई करने का पांचवा तरीका है रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद आती है। अगर तुम्हें ध्यान करना है तो तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो, यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो, अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो, तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर दोगे। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाएगा, तुम्हारा उतावलापन कम होता जाएगा, तुम कम बोलने लगोगे, आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे,
जिससे आप ज्यादा शांत और स्थिर रह पाओगे, जिससे तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ से अलग दिखने लगोगे और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम होती है, जिससे हमारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, छठा और आखिरी तरीका है, नए नए जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, एक लंबी यात्रा आपको सैकड़ों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने का पीछे का कारण यही होता है कि नए नए जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो, इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खो जाने की आदत डालो। वर्तमान में जियो और अपने अतीत में की गई गलतियों और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन की सफाई का सूत्र, यही है 6 मंत्र जिसे आप अपने दिमाग में उत्पन्न हो रहे नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से उनका सफाया कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इन सभी विचारों और भावनाओं से मुक्त रहेंगे तो हमारा दिमाग अपने आप ही नकारात्मक भावनाओं और अनियंत्रित विचारों से मुक्त रहेगा, अर्थात हमारे मन की सफाई होती रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने मन की सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।